हेलो दोस्तों, ये मेरा चैनल ज्ञानी इनफ लेकर आया हूँ आपके लिए सुजुकी इंट्रूडर का एक्चुअल शोरूम लुक, हाउ द बाइक लुक्स इन द शोरूम। तो जैसे कि आप जानते हैं सुजुकी की ये मोस्ट वेटेड बाइक थी अभी इंडिया में, तो ये लॉन्च हो गई फाइनली, तो इसका ये आप एक्सक्लूसिव शोरूम लुक देख रहे हैं। तो ये वॉक अराउंड वीडियो होने वाला है बेसिकली, तो इसमें आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा इस बाइक में, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आपको कंपनी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो पहले मैं एक आपको पूरा वॉक अराउंड वीडियो दे देता हूँ उस पूरे बाइक का, कि बाइक कैसा लगता है देखने में। तो दोस्तों, इसमें आपको जो इंजन मिलता है वो है 150 सीसी का, जो जैसे आप जानते हैं ये जिक्सर का ही पूरा एक, मतलब आप बोल सकते हैं मॉडिफाइड वर्जन है जिक्सर के, बस खाली बॉडी चेंज किया गया है। जो इंजन है इसका वो सब आपको जिक्सर से ही मिलता है। तो इसको पास से देख लेते हैं। यहाँ पे ये इसके हेडलैम्प्स देख रहे हैं, तो काफ़ी अलग स्टाइल से पूरा आपको हेडलैम्प्स मिलते हैं, काफ़ी एक्सटेंडेड हेडलैम्प्स हैं आगे की तरफ, पूरा ये ब्लैक फिनिश के ऊपर मिल जाते हैं। और आपको जैसे विजिबिलिटी, अभी देख हर्ट शेप में पूरी लाइट दी गई है, तो आपको विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिलेगी रोड के ऊपर। देख लेते हैं, तो आपको इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, ABS का बैजिंग मिलता है आपको, तो ये अच्छी चीज़ है कि ABS है, तो आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा है ये। तो एक आपको मैं पूरा इधर से लुक दे देता हूँ पूरा इधर पहले। अब एक एज़ अ होल लुक ले लेते हैं पूरी बाइक का, कि एज़ अ होल पूरी बाइक कैसी लगती है देखने में। इसके बाद चलते हैं इसके साइड्स देख लेते हैं कि बाइक साइड्स में कैसी लगती है। उससे पहले अगर आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे, तो की एरिया थोड़ा सा अलग तरीके से दिया गया है आपको, आगे जो फेयरिंग है उसके पास में दिया गया है ये, आपको मेन जो इसके मीटर है उसकी तरफ नहीं दिया गया, तो ये भी एक अलग चीज़ है। इंडिकेटर्स भी आपको काफ़ी हाई मिलते हैं जो आपकी विजिबिलिटी को अच्छा करेंगे, जो एक अच्छा एडिशन मुझको लगा। अब इसको मैं साइड से भी आपको दिखा देता हूँ पूरी बाइक को। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो पूरा सुजुकी का लोगो आपको क्रोम पे मिल जाता है, बहुत अच्छा लगता है। इंट्रूडर का पूरा जो आपको लोगो मिलता है ये भी क्रोम और ब्लैक फिनिश मिलता है, जिसको एक बहुत ही कूल लुक देता है, बहुत ही अच्छा लुक देता है। अब एक साइड से पूरा मैं लुक दे देता हूँ आपको। ये आप साइड से पूरी बाइक देख रहे हैं यहाँ पे, तो जैसे आप एग्जॉस्ट सिस्टम देख रहे हैं, पूरा आपको डबल एग्जॉस्ट मिलता है और पूरा यहाँ पे सिल्वर फिनिश के साथ, सिल्वर और ब्लैक, तो उसको बहुत ही स्पोर्टी और बहुत ही एग्रेसिव लुक देता है। जैसे कि जनरली यूथ को पसंद होती है बाइक, एक एग्रेसिव बाइक, वैसी बाइक आपको पूरी मिल जाती है इसमें। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो पूरा सुजुकी का आपको ये स्टिकर का लोगो मिलता है पूरा ये ब्लैक रगेड फिनिश में, जो एक बहुत ही अच्छा मुझे एक जो पूरा डिज़ाइन फ्रेम फॉलो किया गया, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन फ्रेम लग रहा है, क्रूज़र बोल सकते हैं उसको, क्रूज़र बाइक है ये, पूरा आपका सिल्वर फिनिश में मिलता है। चलते हैं बाइक के पीछे। तो ये आपका जो बैकलाइट हो गया नॉर्मल वैसे मिल जाता, थोड़ा सा हाई है तो आप विजिबिलिटी पिछले पैसेंजर्स को अच्छी मिल जाएगी, पूरा एक फ्लोइंग डिज़ाइन पूरा आया है आगे की तरफ से, ये आप इसका नीचे का देख रहे हैं। अब हम लोग दूसरी साइड आ गए हैं दोस्तों बाइक के, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पूरा नॉर्मल जैसे कोई भी बाइक होती है बेसिकली। अगर हम लोग बात करते हैं जो टॉकिंग पॉइंट है इस बाइक का, वो पूरा जो इसका डिज़ाइन फ्रेम दिया गया पूरे बाइक, मैं साइड से भी पूरी बाइक एज अ होल आपको दिखा देता हूँ, तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि बाइक कैसी लगती है देखने में। तो इधर से आप जैसे देख रहे हैं पूरा जो ये फील दिया गया है पूरा बाइक को, जो सीट्स हैं, तो यहाँ से चल रहे सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, डिवाइडेड सीट्स दी गई लेकिन जॉइंट हैं यहाँ पे। तो आगे की तरफ चलते हैं अब, तो इधर आप देख रहे हैं ऐसे पूरा टैंक पे पूरा ये जो सिल्वर फिनिश दिया गया है, बीच में आपको रगड ब्लैक फिनिश मिल जाता है, जो इसको एक बहुत ही अट्रैक्टफुल डिज़ाइन देता है। जो इसके पूरा आपको ये ऑल डिजिटल पूरा जो इसका मीटर है वो सेटअप मिल जाता है, तो सब कुछ आपको डिजिटल मिलेगा, जैसे आपका RPM मीटर हो गया, आपका जो गियर इंडिकेटर है, या आपका जो एक क्लॉक मिल जाती है, फ्यूल गेजेस, सब कुछ आपको ऑटोमेटिक मिलता है। ये आपके जो जनरल डिस्प्लेज हो गए वो मिल जाते हैं आपको, इससे इंडिकेटर का हो गया, RPM हो गया, ABS ऑन का हो गया, न्यूट्रल का हो गया, तो पूरा आपको ऑल डिजिटल कंसोल मिलता है, जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं जो इसके हैंडल्स हैं उनकी, तो ये आपकी पास लाइट हो गई, ये आपका हाई बीम लो बीम हो गया, इंडिकेटर हो गया, ये आपका हॉर्न हो गया। तो अब चलते हैं इधर की तरफ, तो ये आपका जो इंजन ऑन ऑफ करने के लिए, आपका ये इग्निशन के लिए मिल जाता है आपको ऑटोमेटिक स्टार्ट। तो ये ओवरऑल अगर देखते हैं आप यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे जो किक है वो नहीं मिलती है, ये किकलेस मॉडल है आपको, उसमें केवल एक यहाँ से ऑटो स्टार्ट मिलता है यहाँ पे, जो एक अच्छी चीज़ है, एक्सक्लूसिव बाइक बनाने की कोशिश की गई है। अब आगे से चलते हैं, तो उसकी लाइट्स ऑन है अभी, तो लाइट्स भी देख लेते हैं कि कैसी लगती है देखने में ऑन में। तो आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी आपको विजिबिलिटी मिलेगी रोड्स के ऊपर डेफिनेटली, क्योंकि बहुत ही ब्रॉड एरिया दिया गया है पूरी लाइट्स का। पीछे जो पिलियन का सेक्शन है, ग्रैब हैंडल है, काफ़ी ब्रॉड दिया गया है, ये आपको मिलता है पूरा पियानो ब्लैक फिनिश पे, जो इसको एक बहुत ही एक चौड़े बेस पे दिया गया, तो आपको पकड़ने में राइड में काफ़ी आराम रहेगा। ये आपकी पीछे की लाइट हो गई, ये आपको LED पे मिल जाती है जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये एक अच्छा एडिशन मुझको लगा, काफ़ी अट्रैक्टफुल डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है। अब दोस्तों थोड़ा सा इसके ऊपर अगर हम बैठ के देख लेते हैं कि कैसा लगता है, तो बैठ के जो मुझे फील आ रहा है बाइक के ऊपर, बहुत ही कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन है बाइक की, जैसे मैं बैठ रहा हूँ, फॉर रेफरेंस मेरी हाइट 6 फीट है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा बाइक में बैठने में, और एक क्रूज़र बाइक है तो आपको शहर में चलाने में बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अगर ये बाइक अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, वीडियो अच्छा लगा उस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। इस बाइक के बारे में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में कंपनी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तब तक दोस्तों देखते रहिए ज्ञानी इनफ, लेकर आता रहूँगा और वीडियोज़ आपके लिए।
थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।